हमेस्टा कम्पैक्ट में वैसे यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो अभी तक ले एयरड्रॉप वह क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो उनको लिए यहाँ पे हमेस्टा कम्पैक्ट द्वारा पूरा का पूरा ऑफिशियली यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी अभी तक ले एयरड्रॉप का क्लेम नहीं कर पाए, विड्रो नहीं कर पाए, तो उनका सारा का सारा टोकन बैलेंस उनको अभी दिख रहा होगा जो कि हमेस्टा कम्पैक्ट के एप्लीकेशन यानी कि आप जो भी माइनिंग कर रहे थे टेलीग्राम में वहाँ पर जाकर आपको दिख रहा होगा और वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, कभी भी क्लेम कर सकते हैं जब तक ले ख़त्म नहीं होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऑन चेन एयरड्रॉप से ले रहे हैं, आपका वैलेट में गड़बड़ी है, आप गलत तरह के वैलेट सेलेक्ट किए हैं, तो इस सब में जाकर आप अपने एयरड्रॉप को क्लेम कर सकते हैं अगर अभी तक आप क्लेम नहीं किए हैं। तो क्लेम करने का पोजीशन से यहाँ पे किस तरह का हो सकता है आपको बता देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि अगर आप ऑन चेन एयरड्रॉप को क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम करने के लिए वैसे बंदे जो अभी तक लोग वैलेट को कनेक्टेड नहीं किए हैं, अभी जो EBI एक्सचेंज सेलेक्टेड किए होते हैं, तो EBI एक्सचेंज में क्या होता है अब सेलेक्ट किए हो, मान लेते हैं अब सेलेक्ट किए हो और अभी तक लोग उसमें कोई वैलेट को कनेक्ट नहीं किए, ऑन चेन को सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसमें कोई वैलेट को कनेक्ट नहीं किया है, डेट कंडीशंस में आप कनेक्ट करके अपने क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं और आपको जो भी टोकन्स है उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। क्या प्रोसेस है इस आपको आपको मालूम होगा, चैनल पे वीडियो बहुत से अवेलेबल है लेकिन यह अपडेट था, हम आपको बता दिए कि अभी तक लगातार इसका एयरड्रॉप क्लेम नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। इस पर अपडेट दिया गया है कि जिसके पास जितना अर्निंग किया हुआ पैसा है उसका उतना उनका रहेगा, ऐसा कोई असर उनका नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप क्लेम नहीं किए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये अपडेट दे दिया गया है मिलेगा। अब जब तक ले आपका आप ख़त्म नहीं होता फेज टू आएगा तब भी आपका बैलेंस रहेगा ही, तो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, जाइए क्लेम कीजिए। इस पर मैं एक पार्टिकुलर और वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता देंगे इन्फॉर्म करके, बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा।